सबको मेरा नमस्कार। और बताइए कि आप जो है, ठीक है कि ये फिल्मों में काम किया, किस तरह की स्टोरीज, उन सब से हट के बताइए कि आपके किस तरह के अनुभव रहे जब आपके चेहरे को देखते हुए लोगों की मुस्कान आ जाती, लोग हंसने लगते, लोग हंसने की उम्मीद करते। दरअसल जब मैं छोटा था, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, आई वॉज आर्डेंट फैन ऑफ किशोर कुमार और देवानंद। इन दोनों की पिक्चरें मैं एक दफ़ा नहीं, 25-25, 30-30 दफ़ा देखता था। और मुझे जो प्रेरणा मिली है कॉमेडी करने की, वो किशोर कुमार से मिली है। उसी को देखकर मैंने एक्टर बनने का सोचा। उसके जो गाने हैं वो भी थोड़ा थोड़ा गुनगुनाता था कॉलेज के प्रोग्राम में। मैं आपको पहले वो गाना बताता हूँ जो मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा अपने स्कूल लाइफ में गाया था, स्कूल के प्रोग्राम में। टर टर ओहो, टर टर ओहो, आहा, जीवन के सफर में रही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़ पाने को। जीवन के सफर में रही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़ पाने को। इस ज़िंदगी में कई बड़े बड़े कलाकारों के साथ मैंने काम किया, उनके साथ मिला, उनसे बहुत कुछ सीखा। और इंसान मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं, ये दुनिया ऐसा है, आने जाने का मेला है। कब आदमी आएगा और कब जाएगा ये कोई नहीं कह सकता। इसलिए अपनी कुछ यादें छोड़कर जाओ कि लोग याद करें कि ये भी एक इंसान था। आज भी लता मंगेशकर, किशोर कुमार, जो बड़े बड़े कलाकार हैं, महमूद साहब, इन सब को कितने प्यार से लोग याद करते हैं। वही मेरे गुरु हैं, उन्हीं को देखकर मैं एक्टर बना था। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे कलाकार आए हैं, लेकिन मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ किशोर कुमार का। किशोर कुमार के साथ मैं शूटिंग कर रहा था फिल्म बॉम्बे टू गोवा। हमारी शूटिंग वहाँ पर थी, क्या नाम है, मद्रास में, वाहन स्टूडियो में। वहाँ पर लंच टाइम में बैठे हुए थे, जूनियर महमूद ने जाकर किशोर कुमार से कह दिया कि ये जो बीरबल है ना, ये आपका बहुत बड़ा पंखा है, हमेशा आपके गाने गा गा कर हमें बोर करता रहता है। तो किशोर दा बोले, क्या कहा बांगड़ू, वो मेरा गाने गा गा कर सबको बोर होता है, उसको हमारे महफल में पेश किया जाए। तो जूनियर महमूद मुझे लेकर वहाँ पहुँचा। अब किशोर दा मुझे बोले, अरे बांगड़ू, हमने सुना है तुम हमारे गाने गा गा कर लोगों को बोर करते हो, आज हमारा भी मूड है बोर होने का, हमें भी हमारा गाना सुनाओ। मैंने कहा, जी आपका चुराया हुआ माल आपको कैसे पेश करूं? कहता, नहीं, आज हमारा मूड है, आज हमें तुम गाना सुनाओ, हम गाना अवश्य सुनेंगे। तो मैंने कहा, जी मैं इसी फिल्म का एक गाना सुना देता हूँ, बॉम्बे टू गोवा का, जो मैं अक्सर गुनगुनाता रहता हूँ। देखा न है रे, सोचा न है रे, रख दी निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। अरे ओ कुकरू कुकरू, किशोर सा बोले, अरे बीरबल, तू तो मेरी अच्छी नकल करता है, लगे रहो लगे रहो। वो किशोर कुमार का जो मुझे आशीर्वाद मिला, उसकी वजह से आज भी मैं दाल रोटी खा रहा हूँ। आज भी स्टेज पर जाता हूँ, किशोर कुमार के दो चार गाने गा देता हूँ तो पब्लिक खुश हो जाती है। अब उस फिल्म का एक और किस्सा भी है, इस गाने की रिकॉर्डिंग का। इसकी रिकॉर्डिंग फिल्म सेंटर में थी, तारदे में।
तो महमूद मुल्ला बीरबल किशोरदा की रिकॉर्डिंग है, तुम आ जाओ, तुम उसके फ़ैन हो ना। मैं कहा ज़रूर आऊँगा। मैं वहाँ गया, अमिताभ बच्चन भी था वहाँ बैठे हम लोग। तब अमिताभ बच्चन बिल्कुल नया नया था उसका कोई, वो बेचारा बड़ा सीधी तरफ भोला भाला बन के बैठा। मैं भी साथ बैठ गया। तो क्या था कि उन दिनों में जो रिकॉर्डिंग होती थी लाइव होती थी, यानी कि म्यूजिशियन बजाते थे और सिंगर गाता था और वही रिकॉर्ड होता था। वो नहीं कि पहले ट्रैक बन जाता था फिर सिंगर लगा हुआ है गाने, दो दो लाइनें, तीन तीन लाइनें गाने, वो नहीं, उसमें लाइव सब कुछ गाना पड़ता था। अब म्यूजिशियन सारे रेडी थे, अपने बर्मन, राहुल देव बर्मन का म्यूजिक था, सब तैयारी में थे, उन सबकी म्यूजिक की रिहर्सल हो गई थी। तो वेट कर रहे थे किशोरदा का। किशोरदा आए, जैसे किशोरदा आए तो बर्मन साहब उसको लेकर सिंगर्स रूम में गए और कहते, किशोरदा आपको मैंने गाने के बोल तो भेज दिए थे, ज़रा थोड़ी सी रिहर्सल कर लेते हैं। अब रिहर्सल शुरू हुई, महमूद साहब बैठे हुए थे, मैं भी था, अमित जी भी थे। तो गाना है, देखा न है रे सोचा न है रे रख दी निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान। अरे आऊ के बाद महमूद ने किशोरदा के मुंह पर हाथ रख दिया, कहते दादा उसके आगे जो कुकड़ू कुए ना वो मैं करूँगा, मैंने बड़ी प्रैक्टिस की है उसकी। क्या बोला रे बांगड़ू, तू कुकड़ू कुड़ू करेगा, चलो पंचम एक रिहर्सल करते हैं। देखा न है रे सोचा न है रे रख दी निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान। अरे ओ कुकड़ू कुकू और कुकड़ू कुकू और कुकड़ू कुकड़ू। अरे बांगड़ू महमूदवा, अरे तू क्या कुकड़ू कु करता है हुँ? अरे पंचम एक काम करते हैं, इसको गाने की भी तो खुजली है ना, गाना भी इसी से ग्वाल है। ये क्या कर किशोर कुमार छोड़ कर रिहर्सल साहब कुछ बाहर चले। अब महमूद की हालत खराब, सारे म्यूजिशनों का खर्चा, उसके बाद स्टूडियो का खर्चा सारा सर में पड़ गया। तो पंचम से बोला, यार किसी तरह इस बंगालियों को जरा थोड़ा रिक्वेस्ट कर उसको वापस ले के आ यार, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा। अब पंचम दा गए किशोरदा के बाद, अरे महमूद किशोरदा गाना गाइए ना आप। वो कहते हैं एक बात बताओ, एक तो ये मुझे आधी चाय पिलाकर, मतलब आधी प्राइस देकर गाना गवाता है, उसके बाद मुझे डिस्टर्ब करता है, अगर इसे गाने की खुजली है तो मुझे क्यों बुलाता है। तो महमूद कहता है, किशोरदा आप गाना गाइए, मैं बिल्कुल आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तो कहता ठीक है, हम गाना गाएंगे, अवश्य गाएंगे, लेकिन तुम भी बाहर बीरबल के साथ बैठोगे। वो कहता जी आप कहेंगे तो मैं स्टूडियो के बाहर जाकर बैठ जाता हूँ। उसके बाद इस गाने की रिकॉर्डिंग हुई। वाह, नहीं नहीं बेहतरीन बेहतरीन था।